सो हे गाइज, वेलकम बैक टू आर चैनल द मॉडर्न पहाड़ीज। मैं भावना, कैसे हैं आप सभी लोग? और अभी बज रहे हैं शायद 2:45 हो रहा है और मैं घर आ चुकी हूँ। नीचे सब सो रहे थे तो मैं अपना लंच बॉक्स धो के और थोड़े बहुत कपड़े थे जो बाहर वो सब उठा के मैं आ चुकी हूँ डायरेक्ट ऊपर, क्योंकि अभी चेंज करना है और जो पहनना है वो ऊपर ही है। एक्चुअली मैंने जिम ज्वाइन किया है 2-3 दिन से, तो उसके कपड़े वो ऊपर ही थे तो मैं अब डायरेक्ट ऊपर ही आ गई, वरना एक बार लेट जाती तो फिर नींद आ जाती। तो मैंने सोचा क्यों ना नितिश की एक शर्ट भी है वो भी यहीं पे आयरन कर देती हूँ, क्योंकि अल्टीमेटली रखनी तो ऊपर ही होती है, तो फिर मैं वो भी ऊपर ही ले आई हूँ। और अभी चेंज वेंज करके मैं पहले शर्ट आयरन करूँगी, उसके बाद फिर मैं जो जिम में जाने होते हैं, मतलब जिम में जाने के लिए जो कपड़े मैं पहन के जाती हूँ, शॉर्ट्स और टी शर्ट, वही डाल के तब मैं नीचे जाके फिर लेट जाऊँगी थोड़ी देर। तो बस अभी आज ये व्लॉग इस टाइम पर शुरू कर रही हूँ, तो देखते हैं क्या क्या होता है आगे। तो ये शर्ट आयरन करके मैंने रख दी है और अब चलते हैं नीचे, तो करते हैं लाइट बंद। सो अब बज रहे हैं शाम के 4:45 और मैं आ चुकी हूँ जिम में। ये है जिम का एंट्रेंस और कुछ इस तरीके का है। यहाँ पे 2 फ्लोर में है ये, मतलब वैसे तो ग्राउंड फ्लोर अलग है, ये फर्स्ट फ्लोर में है और सेकेंड फ्लोर में है इसके कार्डियो वाला सिस्टम, वहाँ भी मैं आपको अभी लेके जाती हूँ। सो ये है सेकेंड फ्लोर में और यहाँ पे अभी मैं रनिंग करके अब कर रही हूँ साइकिलिंग। जिम से आने के बाद नितिश भी आ चुके थे तो हम लोग आए हैं मार्केट अम्मा का फ़ोन लेने के लिए। अम्मा का फ़ोन ख़राब हो गया है, उसमें थोड़ा पानी चला गया है, तो हम आए हैं HP इंटरप्राइजेज में। हम सारे फ़ोन यहीं से लेके जाते हैं, मतलब आफ्टर मैरिज हमने जितने भी फ़ोन लिए हैं वो सब यहीं से लिए हैं। तो इन्होंने हमें 3-4 फ़ोन दिखाए हमारी रेंज के अकॉर्डिंग, जो भी हमें चाहिए था, तो उसमें सबसे अच्छा हमें जो लगा हमने वो ले लिया। और वो बैठा है हमें 14 का, मतलब 13,000 समथिंग का बैठा है, तो वो फ़ोन हमने ले लिया। और उसके बाद अब हम आए हैं बेकरी शॉप में पिज़्ज़ा बेस वगैरह लेने के लिए और चीज़ स्प्रेड वगैरह लेने के लिए, क्योंकि मेयोनीज हमारे जो घर पे थी ना वो थोड़ी ख़राब हो रही थी, तो इस बार हमने चीज़ स्प्रेड लिया है। और हम ये भी यहीं से लेके जाते हैं, ये होलसेल है। तो ये देखिए थोड़ा सामान था जो हमने ले लिया, मोज़रेला, पिज़्ज़ा बेस और चीज़ स्प्रेड और सिया के लिए पेस्ट्रीज़। अब चलेंगे घर। तो घर हम लोग आ चुके हैं और रोटियां बना के मैंने रख दी हैं और थोड़ी सी सेवई भी मैंने बनाई थी क्योंकि सूखी सब्जी थी, और साथ के साथ मैंने कुछ आलू बॉईल करके रख दिए थे। ये व्लॉग जिस दिन शूट हुआ उस दिन सैटरडे था, दूसरे दिन संडे था। व्लॉग आपको वैसे जल्दी मिल जाएगा बट ये सैटरडे को शूट हुआ था, तो आलू इसलिए उबाले क्योंकि एक आलू ना ख़राब हो गया था, तो उसके आसपास भी आलू जो थे वो हल्के हल्के गीले गीले से हो रहे थे, तो मैंने उन्हें बॉईल करके रख दिया, क्योंकि बॉईल आलू तो घर में यूज़ हो ही जाते हैं सब्जी में या सैंडविच वगैरह कुछ भी बनाओ तो कई रेसिपी में यूज़ हो जाता है, तो ख़राब नहीं होता, फ्रिज में पड़ा हो तो जल्दी यूज़ हो ही जाता है। तो बस उसके बाद मैंने ये किचन जो गंदा हो रहा था, काउंटर टॉप वगैरह, इसको सब साफ़ करने लगी हूँ, क्योंकि अब किचन का काम ख़त्म ही हो गया था, कुकिंग वाला अब कुछ ऐसा काम था नहीं, तो ये आटा वाटा जो भी गिरा हुआ था ये सब मैंने अच्छे से साफ़ कर लिया है। और उसके बाद छिलूंगी आलू, तो बीच बीच में वो कपड़ा भी छाल ले रही थी क्योंकि जस्ट जो थी ना मतलब आटे की, तो वो एकदम से सूखे उसमें आ नहीं रही थी। और इधर मैंने सब्जी वाला बर्तन भी खाली करके उसे वॉश कर लिया है और ये भगवान जी के लिए निकाल के मैं देने जा रही हूँ, क्योंकि अभी दादू पूजा कर रहे हैं तो वो दे देंगे, मतलब लगे हाथ ही वो चढ़ा देंगे, तो ये मैं उन्हें दे के आ गई वहाँ पे मंदिर में भोग लगाने के लिए। और उसके बाद ये देखिए टेबल पे ध्यान आया मेरा कि फ़ोन तो दिखाया नहीं, तो ये रहा फ़ोन, ये है उसका कवर और ये है वीवो का फ़ोन, और ये रहा, ये हमने खोल के सब वो कर लिया था इसलिए इसमें निशान विशान आ गए हैं, और वैसे अभी यूज़ नहीं करा है ये। तो ये है फ़ोन जो हम लेके आए हैं और ये दादू ने अपने फ़ोन का कवर चेंज करा लिया, तो मस्त सा कवर लग रहा है। और वापस मैं आ चुकी हूँ किचन में, तो फिर ये जो आलू बॉईल किए थे अब इन्हें छील लेती हूँ और उसके बाद इन्हें फ्रिज में रख दूँगी ऐसी, तो लगे हाथ जितना काम निपट जाए उतना सही रहता है। अभी अगर ऐसे छूट जाते तो फिर छूट ही जाते, तो मैंने कहा ये भी अभी होने को तो बहुत ज़्यादा गर्म थे बट मैंने छील के रख लिए, पानी चला लिया, पानी में भिगा भिगा के मैंने इनके छिक्कल हटा के इनको अलग रख दिया। तो और बीच में फिर अभी ये भी था कि टाइम था, तो फिर हम सोच रहे थे कि पिज़्ज़ा भी बना लेते हैं, तो उसकी भी तैयारियां अभी करनी बाकी थी। एक बार लग रहा था कि सारा काम किचन का निपट चुका है बट फिर उसके बाद हुआ कि नहीं पिज़्ज़ा भी बनाना है। तो वैसे मैंने एक दिन पहले भी तैयारी करके रखी हुई थी, मतलब काफ़ी चीज़ें मैंने काट कूट के रखी थी, बट उस दिन पिज़्ज़ा बेस जो हम लेके आए थे वो ख़राब निकला था,
तो फिर इस वजह से जो सामान था, मतलब टॉपिंग्स जिस चीज़ की होनी थी, वो सब यूज़ नहीं हो पाई। तो वैसे ही फ्रिज में रखी थी, और मोज़रेला चीज़ भी मैंने ग्रेट करके रखा था, बट वो थोड़ी देर बाद ही ना अपने आप फिर से जम गया। तो फिर मैंने उसे वैसे ही सारा इकट्ठा करके उसमें रख दिया, बाउल में या प्लेट में, पता नहीं किसी में रख दिया। तो बातें करते करते आलू मेरे छिल चुके थे, तो उसके बाद मैंने उन्हें रख दिया है फ्रिज में। और दूसरी तरफ थोड़ा सिंक विंक साफ़ करके उस, अब ये काम भी निपट जाएगा। ये तवा बचा था लास्ट, क्योंकि गर्म हो रहा था इसलिए पहले धोया नहीं, तो अभी मैंने उसे भी धो के रख दिया है। और अब पूजा हो चुकी है दादू की, तो अब चढ़ाएंगे चाय। वो इस टाइम पे चाय पीते हैं शाम को, मतलब ब्लैक टी पीते हैं। और कुछ नहीं, बस ज़रा सी चीनी और पत्ती डाल के एक बॉईल करके हटा लेना होता है, क्योंकि चाय पत्ती का ज़्यादा उसमें फ्लेवर ना आए। तो बस हल्की सी चाय होती है ये। और उसके बाद ये बड़ा बर्तन रखा हुआ था, तो मैं ज़्यादातर कोशिश करती हूँ कि जिन बर्तनों में खाना बनाओ ना, उनको फटाफट से निपटा दिया जाए। तो मैंने इनको बराबर कटोरी में बांट के रख लिया है, और जो भोग के लिए था तो फिर वो मैंने सोचा कि सिया के लिए हो जाएगा। तो ये चार कटोरी मैंने अलग करके रख दिया, और तब तक चाय भी बन गई, तो दे देते हैं चाय। तो अब किचन का काम सारा निपट चुका है। और अभी मैं आई थी ऊपर, जो सूट पहना हुआ था ना, वो मतलब कि कुछ कपड़े ऊपर रखने आई थी, सिंपल सी बात। और अभी मैं यहाँ पे आई ड्रेसिंग रूम में, तो फिर मेरे को ना जूतियाँ दिखी। अयो, आज जिम नहीं था ना, आज बहुत पेन हो रही है, मतलब करो तो भी पेन होती है, और आज नहीं था तो अब वो बॉडी थोड़ी रिलैक्स हो जाएगी। आज छुट्टी है, कल भी छुट्टी होगी, और फिर परसों प्रॉब्लम होगी। तो मैंने ना जूती ऑर्डर करी थी मीशो से, वो मैं आपको दिखाती हूँ। अभी मैं यहाँ पे आई तो मेरी एकदम से नज़र पड़ गई, और बहुत अच्छी क्वालिटी की है। एक पेयर नीचे है जो कि मैं रेगुलर यूज़ कर रही हूँ, और उसका एक पेयर मैं आपको दिखाती हूँ। मतलब 400 रुपये में यार क्या ही लोगे ना, ये देखिए, बहुत सुंदर और एलिगेंट सी है, सिंपल सी है, ब्राउन कलर में, और हर किसी आउटफिट के साथ, मतलब सूट के साथ मोस्टली सब में चल जाएगी, हर टाइप का सूट। तो एक मैं रेगुलर मैंने स्कूल जाने के लिए यूज़ कर रही हूँ, और एक मैंने रख दी कि कभी कोई फंक्शन वगैरह हो तो उस पे पहनने के लिए, मतलब स्कूल से बाहर। और आजकल मेरे पास फ्लैट वगैरह भी कुछ नहीं है, जितने थे मैंने धीरे धीरे सब यूज़ कर लिए हैं। तो दो तीन पड़े हैं, वो थोड़े अनकंफर्टेबल हो रहे हैं, इसलिए मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। और मैं अभी नए परचेज करने से भी बच रही हूँ, कि पहले ये जो हैं पहले अब इनको ही निपटाऊंगी, उसके बाद मैं न्यू पेयर लूँगी। बाकी उस दिन मैं नैनीताल गई थी, तो मेरे पैर में वो थोड़ा छाला हो गया था, तो एक पेयर मैंने मतलब डेली यूज़ वाटरप्रूफ वाली बाथरूम स्लीपर्स टाइप की ली थी। बाकी अभी कुछ नहीं लिए हैं, मतलब कलेक्शन बहुत अच्छा था, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि मैं नैनीताल गई और मैंने सैंडल्स वगैरह नहीं ली। अब देखो वैसे अब कब जाना होता है। मीनवाइल अभी हम बनाएंगे पिज़्ज़ा, नितिश लेके आने वाले हैं पिज़्ज़ा बेस, तो फिर बस उसी की तैयारी करते हैं। चलिए चलते हैं नीचे। तो अभी बज रहे हैं रात के 8:15, और मैं आ चुकी हूँ फिर से किचन में। मतलब थोड़ी देर के लिए मैं बाहर मडरा के आ गई थोड़ी सी एडिटिंग करके, तो अभी आ गई हूँ किचन में। और ये मैंने इधर पिज़्ज़ा बनाने की तैयारी कर ली है। तो पिज़्ज़ा बेस ये वाला मैंने हल्का सा पहले इसको 10 सेकेंड के लिए माइक्रोवेव कर लिया, उसके बाद इसमें डाला है पिज़्ज़ा सॉस, और उसके बाद डाला है ये चीज़ स्प्रेड। तो पिछली बार जो हमने बनाया था वो मेयोनीज का था, इस बार हमने चीज़ स्प्रेड डाला है। उसके बाद ये कटी हुई शिमला मिर्च लगा दी मैंने, उसके बाद प्याज, और हल्का सा इस बार टमाटर भी डाला है, और ये कॉर्न्स भी डाले हैं। तो उसके बाद ये मैंने मोज़रेला चीज़ जो मैं कह रही थी ना कि पहले घिस के रखी थी, वो फिर से इकट्ठी हो गई थी, तो उसको दोबारा से ग्रेट करके मैंने इसके ऊपर डाल दिया। और अब बस इसको अच्छे से फैला के, और जो थोड़ा बहुत गिरा था वो भी मैंने इसी में रख के इसको कर दिया है कन्वेक्शन मोड पे स्टार्ट, और 10 मिनट्स के लिए मैंने इसे रख दिया है इसमें। तो बीच बीच में हम इसे चेक भी करते रहेंगे, क्योंकि अभी हमें ना मतलब उतना ज़्यादा परफेक्शन नहीं है इसको बनाने में, अभी हम ट्राई कर रहे हैं कि कितने में प्रॉपरली बन जाएगा। आज ये शायद दूसरी तीसरी बार है, बट स्टिल पहले हमने माइक्रोवेव में ही बनाया था, बट इस बार कन्वेक्शन मोड में ट्राई कर रहे हैं, तो देखते हैं। इसमें ना बीच बीच में धुआं भी आ रहा था, जलने की स्मेल भी आ रही थी, तो हमें समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। हाय बोलो। हाय। बढ़िया। आपने स्लीपर क्यों उल्टी करी है? स्लीपर सही करो। नहीं, वेरी बैड। क्या है? कुछ नहीं। आप क्या खाओगे आज? क्या खाओगे? सिया कहाँ गई थी आज? सिया ने डांस करा था? वेरी डफर।
तो काफ़ी बार हमने इसे बीच बीच में चेक कर लिया है और ये ऑलमोस्ट बन चुका है अब, तो इसे निकाल लेते हैं। ये निकलने के बाद कुछ ऐसा सा लग रहा है। इस बार भी ये अच्छे से ना जो ब्राउनिश सा शेड आता है वैसा नहीं आया है, तो चलिए अब ऐसे इंजॉय करते हैं। तो रात के 10 बज चुके हैं और खाना पीना सबका हो चुका है, अब चलते हैं हम ऊपर सोने के लिए। सिया कौन होता है? पुट्टू होता है। और डैडी भी पुट्टू होता है। और सिया डैडी का क्या है? पैर है। एग है। सिया डैडी का एग है। गुंडे। तो अब इस वीडियो को करते हैं यहीं पे एंड। आई होप कि आपको व्लॉग अच्छा लगा होगा। लाइक शेयर कर दीजिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और बस सोने की तैयारी हो चुकी है हमारी, और एक बार ये बेड में सब उथल पुथल करके अब पीछे पड़ गई है कि मुझे अपने न्यू ड्रेसेस पहनने हैं, और उसी को निकाल भी रही है कि बस अभी ये पहनने हैं। तो बस अब कल तो संडे है, तो आराम से अभी कोई टेंशन नहीं है। अगर थोड़ा लेट भी हो गया तो संडे सैटरडे के दिन थोड़ा ये रहता है कि हाँ चलो अगर थोड़ा लेट भी सोए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो बस अभी ये मैडम अपना सामान फैला रही है, पता नहीं इसमें कितना टाइम लगेगा। तो मिलते हैं आपसे एक न्यू व्लॉग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।